एनीपट्टी के कचरा गांव में बीती रात चोरों ने एक घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर के बॉक्स में रखा 80,000 नगद और 6 भरी चांदी का जेवरात गायब कर दिया। आपको बता दें कि कचरा गांव के मोहम्मद इजराइल की पत्नी 3 हफ्ते पूर्व गुजरात से अपने घर आई थी। घर के कामकाज के मकसद से नगद भी अपने साथ लाई थी, जिसे वो एक बॉक्स में छुपाकर रख दी थी। बीती रात अत्यधिक उमस भरी गर्मी के कारण घर के सभी लोग छत पर सोने चले गए। रात करीब 11 बजे नीचे से आवाज आई तो घर के महिलाओं ने सोचा कि चौकी पर रखे दूध को बिल्ली शायद पी रहा होगा। आवाज शांत होने के बाद घर के लोग सो गए। सुबह जब पीड़िता की सास नीचे आई तो बरामदे पर रखा फ्रिज पर 800 नगद गायब था। बिजली का बिल नीचे गिरा था। चोरी की आशंका से वो चीख पड़ी तो छत से चांद बानो नीचे उतरकर घर के बॉक्स को देखी तो उसके होश ही उड़ गए। चोरों ने जेवरात के साथ बॉक्स समेत नगदी गायब कर दिया था। इधर चोरी की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो इसकी सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई। पीड़िता ने बताया कि बेनीपट्टी थाना में चोरी का आवेदन भी दिया है। आपको बता दें कि बेनीपट्टी में विगत कई वर्षों से चोरी की घटना अनवरत हो रही है। कांड का खुलासा नहीं होने से असामाजिक तत्वों का मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए कचरा में हुई चोरी के बाद पीड़िता ने क्या कुछ बताया है। तो देखिए तो कि बैग में तो ना कुछ और खाली है तो बैग गए खाली है। एकरा बाद एकरा कहले कि ये बैग खाली है तो ये उठ के आ गेले घर में कि हम जब पैसा भेज के कर से ना देख लिए तो तब भी हम देख ये जो खर के या यही बैग फ्रिज पर था, ये मम्मी का था तो इसमें मम्मी का पैसा था। ये मम्मी के दिखाने गए छत पर हम सोए थे तो इसमें कुछ नहीं, तो हम इसका कुछ बात नहीं सुने, हम फौरन यहाँ पहुँचे। जब यहाँ पहुँचे तो ये दोनों बैग में हमारा पैसा था, दोनों एकदम ऊंचा बन गया था, खड़ा हुआ था, इसमें रखा था। तो मम्मी जैसे बोली ऐसे गए कि मम्मी का तो 400-500 रहा है, हमारा तो पैसा ज्यादा है, तो हम अपना जाते देखने ऐसे ऊंचा करते हैं तो ये बैग का मुंह ऐसे खुला हुआ, पैसा नहीं है। अच्छा। बस जाके हम बाहर निकल के रोने लगे। कितना पैसा था बैग में? बैग में एक जगह हमारा 40,000 था, एक जगह 20,000 था। हाँ इसमें हाँ। अच्छा। और जो जेवर था ना, हाथ में का बच्चा का लड़की था, गला का था, जेवर था, समझिए 20,000 का एक डब्बा था जेवर का। देखे कि कौन पैसा हमारा कितना खर्च हुआ है, कितना है, देख के यही जगह पर रख दिए। मम्मी जैसे गए तो हम तो फौरन यहाँ पहुँचे हैं, पैसा गोल हाँ, कि इसका तो 200-400 है, जब इसका 200-400 गायब है तो हमारा है सही सलामत की नहीं। जब वो 11:30 बजे रात में हम लोग नीचे आए दोनों बहन, तो नीचे से हम लोग ऐसे छत पर थी, हाथ पैर वोल्टेज कम था तो ऊपर धाबे पर चले गए सोने। 11:30 बजे तो हम नीचे उतर के आए दोनों बहन, तो ऐसा ही मुँह हाथ धो के पानी पी के फिर हम चले गए। जैसे 12 बजने में 5 मिनट कमी रहा तो ये बोली कि दूध का डेची वहाँ पर रखा था, तो ये बोला कि देखने लगता है बिल्ली आ गया जो दूध पी रहा है, तो ये धाबा पर से खड़ी होके देखती है तो दूध का डेची ऐसा ही ढक्कन लगा हुआ है। अब वो इंसान वही इंसान समझिए साहब कि ये घर में पहुंचा था, लेकिन हम इसको फिर बोल रहे हैं सोई सोई में कि तू क्या कर रही है खड़ी होके छत पर से, तो ये बोल रही है हम बिल्ली को देख रहे हैं। जब हम इसको बोले तो ये बेचारे भी जाके सो गए हमारे पास, वो आदमी निकल के चला गया। वो आदमी जो है दो नोनिया के घर में गया है, एक मलहम और पर शत्रुघ्न की बीवी है उसके वहाँ पर 10 रुपया दिया 10 बजे रात को, तो बोला स्प्राइट दो, तो बोले 10 रुपया में नहीं आएगा, माजा दो, बोले 10 रुपया में ये सब सामान 10 रुपया में तुम खरीदोगे, तो बोले 10 रुपया क्या हमारे पास 7-10 रुपया हमारे पास पैसे का ये नहीं रहता। आज जब हम चोरी भी करते हैं तो ऐसा टाइम में चोरी करते हैं जो आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, तो वो आदमी फिर आगे बढ़ गया उसको दुकान को झांकी मारने लगा, तो फिर वो औरत को ऐसा लगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो आगे सोनू है उसको वो औरत बताने गई, तो ये और फिर ये मेरी खाला है उसके पीछे में भी वो गया था, उसके घर में भी झांकने 12:15 बजे के करीब वो लोग जो रगत रगत के आए ना वो समझी कि कहीं नहीं गया ये आके यहाँ आया।
गाँव का है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।